हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विपिन भावगुना। आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट टॉपिक जर्नल एंट्रीज, क्लास नंबर 3 पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, विद लॉट्स ऑफ एनर्जी और थोड़ी खुशी के साथ। हम पार्ट 3 पे हैं बच्चों जर्नल एंट्री के। आप पहले दो पार्ट्स पहले देखेंगे और फिर इस पार्ट 3 पे आएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों? हाँ सर, ठीक है ठीक है। चलिए फटाफट से लिखेंगे मेरे साथ पॉइंट नंबर 7। हम कुछ टिपिकल जर्नल एंट्रीज पे थे, पॉइंट नंबर 7 लिखे मेरे बच्चों। पॉइंट नंबर 7 कहता है बच्चों, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बहुत आसान है बच्चों, लिखेंगे परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है मेरे बच्चों? फिक्स्ड एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपको आता है। जब आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे तो क्या एंट्री पास होगी, जब आप फिक्स्ड एसेट्स सेल करोगे तो क्या एंट्री पास होगी? चलिए आइए देखें, आइए फटाफट से। जब आप परचेस करोगे फिक्स एसेट्स, आइए बच्चों, अब आप कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर रहे हो, आप एक फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हो बच्चों, जिसका बेनिफिट आप लेते चले जाओगे भविष्य में। तो हम फिक्स एसेट्स का अकाउंट खोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना मेरे बच्चे, एसेट का बढ़ना जल्दी बताइए सर, डेबिट होता है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों फटाफट से, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या फिर सामने वाली पार्टी का नाम मान लो राम से ले रहे हैं 1 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है मेरे बच्चों? अरे 10 ज्यादा लगा दिया आपके सर ने, ठीक है मेरे बच्चों। अगर हम उधार पे ले रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ेगी बच्चों हमारी, तो मैंने राम का नाम लिख दिया, सप्लायर का नाम लिख दिया। और अगर हम कैश पे ले रहे हैं तो टू कैश, एसेट का घटना क्या किया जाता है बच्चों, क्रेडिट किया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब आइए, मान लो मेरे बच्चे हमने 1 साल बाद ये फिक्स एसेट्स बेच दिया। वैसे हम बेचते नहीं है फिक्स एसेट जनरली, लेकिन मान लो क्योंकि एग्जांपल है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की भी एंट्री करानी है तो आज ये सीखते हैं, ठीक है? अगर मान लो हमने ये सेल कर दिया 1 साल बाद, मुझे बताओ 1 साल बाद क्या ये 1 लाख रुपए का रहेगा? नहीं सर, इसमें तो कुछ घिसावट हो जाएगी। याद है इस घिसावट को मैंने डेप्रिशिएशन नाम भी दिया था? हाँ सर, याद तो है सर, डेप्रिशिएशन नाम दिया था आपने घिसावट को। मान लो 10,000 की इसमें घिसावट हो गई, 90,000 का ये फिक्स एसेट्स है, मान लो 90,000 का ये फिक्स एसेट्स है। अगर ये 90,000 का फिक्स एसेट्स है तो जरूरी थोड़ा ना 90,000 में बिके। जनरली बच्चों फिक्स एसेट्स कम में ही बिकता है, जनरली फिक्स एसेट्स में हमें लॉस ही होता है बच्चों बेचने में, इसलिए हम फिक्स एसेट्स कभी बेचना पसंद नहीं करते मेरे बच्चों। अच्छा सर, मान लो 85,000 में ये बिक गया, मान लो 85,000 में ये बिक गया, तो बच्चों क्या होगा? सर हमारे पास पैसा आएगा, या तो चेक के थ्रू पैसा आएगा या कैश के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। या फिर सर हमारे पास पैसा नहीं आएगा, मान लो रामचरण हमें वादा करेगा पैसे देने का, ठीक है 85,000 रुपीज, लेकिन मेरे बच्चों लाइन छोड़ना यहां पे एक बीच में एक लाइन छोड़ना, लेकिन मेरे बच्चों हमारी जेब से फिक्स एसेट्स कितने का चला गया? सर 1 लाख रुपए का फिक्स एसेट सर चला गया, मतलब अरे एसेट चला गया ना, बेच दिया ना आपने। एसेट का घटना क्या किया जाता है? सर क्रेडिट किया जाता है। तो 2 फिक्स एसेट्स 1 लाख का, लेकिन पैसे तो हमारे पास, या डेटर तो हमारे कितने के बड़े? 85,000 के। डेटर बोलना लाजमी नहीं होगा मेरे बच्चे, जनरली गुड्स को जब हम उधार पे बेचते हैं तो हम डेटर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अभी हम बोलेंगे सप्लायर से हमें पैसे लेने हैं, तो पैसे आए 85,000, एसेट का बढ़ना डेबिट, चाहे रामचरण हमें फ्यूचर में देगा तो भी एसेट है बच्चों, डेबिट होगा। एसेट चला गया 1 लाख का, सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, डेबिट और क्रेडिट तो मैच होना चाहिए सर, डबल एंट्री का मतलब ही यही है। ओहो सर इसका मतलब, सर 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 हमें 5,000 का ना नुकसान हुआ सर, सर 5,000 का नुकसान, नुकसान एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, बढ़ रहा है ना हमारा नुकसान मेरे बच्चों, 5,000 का नुकसान हो गया कंपनी को, तो हम क्या करेंगे उस नुकसान को? डेबिट करेंगे, लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है मेरे बच्चों? हाँ सर ठीक है। तो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री आपने देख ली, आसान है सरल है बच्चों, कुछ टिपिकल जर्नल एंट्रीज, क्योंकि बच्चों एट द एंड जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी टिपिकल जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी हमारे क्वेश्चन में, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज टॉपिक चलते चले जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? क्लियर है या नहीं क्लियर है जल्दी बताइए। हाँ सर क्लियर है सर, आप आगे बढ़ो ना सर, ये तो बहुत आसान था सर, ठीक है फिर। ठीक है, एक्सपेंडिचर 8 पॉइंट देखें, एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है 8 पॉइंट देखें बच्चों।
इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बहुत सरल है बच्चों, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। बच्चों एक बात बताओ, आप टीवी लेने गए हो कभी? सर हम तो नहीं गए, कुछ लोग गए होंगे कुछ लोग नहीं गए होंगे। बच्चों जब हम टीवी लेके आते हैं, मान लो हमें एक टीवी पसंद आ गया, सैमसंग का टीवी है, हमने बोला भाई साहब कितने का है? सर 50,000 रुपये का टीवी है, एलईडी टीवी है, 49 इंच का है मान लो। अब 50,000 का टीवी है, हमने बोला भाई साहब घर में लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो उसने बोला सर इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से लगेंगे 1,000 रुपया। मुझे बताओ घर आके आप टीवी कितने का बोलोगे कि कितने का आपको टीवी पड़ा? सर हम तो बोलेंगे 51,000 का पड़ा सर, क्योंकि 50,000 का तो टीवी था, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो हमें देने पड़ेंगे सर 51,000। यानी कि इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम टीवी की कॉस्ट में जोड़ के ही बताएंगे सामने वाली पार्टी को, अरे 51,000 का पड़ गया भाई। वही है बच्चों ये इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आप टीवी लेके आते हैं, उस टीवी को इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से बंदा बुलाना पड़ता है। तो सोचो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगती होंगी, उनको लगवाने के लिए भी अलग से इंजीनियर्स बुलवाने पड़ते होंगे। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से खर्चा दिखाने से अच्छा है हम किस में दिखाएं मेरे बच्चों? उसी मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ के दिखाएं, अलग से खर्चा हम नहीं दिखा सकते इंस्टॉलेशन चार्जेस का। तो आपने क्या सीखा, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीनरी की कॉस्ट में ही आप जोड़ के दिखाना पसंद करेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हम सीमेंट लेके आए, ब्रिक्स लेके आए, 10,000 की ब्रिक्स, इतने लाख का सीमेंट, ये फलाना ठिकाना, तो उन सब कॉस्ट को जोड़ो और एक कॉस्ट में दिखा दो बिल्डिंग की कॉस्ट में, तो उसी का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो सभी कॉस्ट को हम उसी एक पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स में जोड़ के ही दिखाना पसंद करते हैं अकाउंटेंसी में। हाँ सर, एंट्री भी करा दो ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ बच्चों, उसी के नीचे एक क्वेश्चन भी है बच्चों, आइए फटाफट से देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ गोपाल एंड ट्रेडर ऑफ डेली, परचेज बिल्डिंग एंड इशूड अ चेक। बच्चों अब इसकी क्या एंट्री पास करेंगे आप बताइए फटाफट से। आइए कर ही लेते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, बाकायदा फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों, कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर, ठीक है, आओ फटाफट से। सर आपने ना हमें बताया नहीं सर, ये एलएफ में हम क्या लिखते हैं? अभी बताता हूँ बच्चों। परचेज बिल्डिंग एंड इशूड अ चेक की एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों, फटाफट से बताएं। सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक का नाम आ जाएगा। हमने तो चेक काट के फेंक दिया ना बच्चों, हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को घटा देंगे। कितने लाख रुपए की है बच्चों? सर ये 15 लाख रुपए की है सर। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्डिंग टू बैंक। एसेट का बढ़ना क्या किया जाता है बच्चों? डेबिट किया जाता है। और एसेट का घटना क्या किया जाता है बच्चों? क्रेडिट किया जाता है। ये याद रखना बच्चों, ये लिखना नहीं है आपको, आपको अपने माइंड में से याद रखना है, अप्लाई करना है। मैंने तो रेफरेंस के लिए यहां पे आपके लिए सजा रखा है ताकि आप फटाफट, जो बच्चों ने ये रूल नहीं भी पढ़ा वो फटाफट देख के इस रूल के अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर सकें। ठीक है, बाय द वे बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर देखें बच्चों आप, तभी आपको ये रूल्स, उसी क्लास में मैंने आपको ये रूल बताए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में भी शायद मैंने आपको ये रूल्स बताए हुए हैं बच्चों। चलो, परचेज मशीनरी फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। बच्चों 2 लाख रुपए की हमने मशीनरी परचेज करी है, आओ फटाफट से। एसेट का बढ़ना, सर एसेट का बढ़ना तो डेबिट होता है। कितने लाख रुपए की है बच्चों? 2 लाख रुपए की है बच्चों। टू किससे खरीदी है? रेमसन। सर पैसा नहीं दिया मेरे बच्चे, उधार पे खरीदी होगी ना, इसलिए लायबिलिटी बढ़ा दी। लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है, एसेट का बढ़ना डेबिट किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ सर, सर वो टीचर बोल रही डेबिट व्हाट कम्स इन, वैसे वाले रूल से एंट्री पास करो। बच्चे फंस जाओगे आप, ना, आपको मॉडर्न रूल से ही एंट्री पास करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगी एंट्री। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है, चलो। तो बिल्डिंग डेबिट मशीनरी टू रेमसन हो गया। हाँ सर, आप ये एलएफ में, सर देखो बुक में भी ना एलएफ में कुछ लिखा नहीं होता सर, खामखा कॉलम बनवा देते हैं। क्यों बनवाते हैं मेरे बच्चे? जब आप बड़े बच्चे बनेंगे, ऑफिसेज में जाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, तो आप देखेंगे इस एलएफ में पेज नंबर लिखा होता है कि इस जर्नल एंट्री का फाइनल पोस्टिंग किस लेजर में की गई है, उस पेज नंबर बता दीजिए, उसका पेज नंबर बता दीजिए।
सर लेजर लेजर, अब ये कैसी बातें कर रहे हो आप? पिछले तो कहा बच्चे, अभी मैंने बताया नहीं आपको, इसलिए मैंने बताना ही नहीं चाहता था एलएफ का, वो तो सिर्फ एक रेफरेंस है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में लेजर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। हर जर्नल एंट्री एक लेजर में पोस्ट होती है बच्चों, एक डब्बे में पोस्ट होती है, उसी डब्बे का पेज नंबर लिखा जाता है बच्चों इस एलएफ में। अच्छा सर ठीक है सर, छोड़ो ना सर, आप आगे बढ़ो सर। ठीक है ठीक है। बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंट ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश, मेरे बच्चे फर्नीचर खरीदा है, तो क्या क्या एंट्री पास होगी बच्चों? ठीक है हाँ सर ठीक है। कितने का है बच्चों? ठीक है ठीक है सर ठीक है। बच्चों मैं आपको ना इसमें एक पॉइंट बताना चाहता हूं। आपने देखा मई 10 वाली एंट्री में परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट लिखा हुआ था बच्चों। मान लो ये ऑन क्रेडिट ना लिखा होता, तो सिर्फ लिखा रहता हमने मशीनरी परचेज करी है रैमसन से, तो कैसे मानते हैं कि ये कैश पे खरीदी है या क्रेडिट पे खरीदी है? मेरे बच्चे अकाउंट्स में रूल बनाया गया है, जब ना लिखा हो लेकिन सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है, इंसिस्ट कर रहा है उस नाम पे, सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है इसका मतलब जोर लगा रहा है उस नाम पे। जब सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा हो बच्चे और पता ना हो कि कैश है या क्रेडिट है, तो हमेशा क्रेडिट मानते हैं बच्चों, हमेशा क्या मानते हैं बच्चों? क्रेडिट मानते हैं। हाँ यहां तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बकायदा दे ही रखा था कि क्रेडिट पे बेची है, तो आसान हो गया। अच्छा सर अगर सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है और कैश लिखा है तो क्यों पूछ रहे हो? अरे कैश लिखा है तो कैश ही मानोगे, या कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है मेरे बच्चे, अगर सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा है और नहीं बता रखा कैश या क्रेडिट है, तो हमेशा क्या माननी है मेरे बच्चे? क्रेडिट माननी है। ठीक है। बॉट कंप्यूटर फ्रॉम HPLT नोएडा UP एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर 50,000 मेरे बच्चे, हमने इंटरनेट ट्रांसफर से पेमेंट करी है कंप्यूटर की मेरे बच्चे। बच्चे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंक वर्ड आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों बोलो हाँ या ना। इंटरनेट ट्रांसफर से पेमेंट करी है ना बच्चे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कितने की है बच्चों ये? सर ये है 50,000 की, 50,000। ठीक है 50,000 की है बच्चों ये। अच्छा सर, सर इंटरनेट ट्रांसफर मतलब बैंक लिख देंगे? हाँ बच्चे, इंटरनेट ट्रांसफर मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, तो हम एसेट घटाएंगे, एसेट का घटना क्रेडिट होता है, कंप्यूटर का बढ़ना डेबिट होता है, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारा एसेट है बच्चों। ठीक है, वो कहते हैं पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है बच्चों। एक मशीनरी इंस्टॉल कराई थी हमने, हमने एक मशीनरी खरीदी थी उसको इंस्टॉल कराया था। आप जरा देखें, मई 10 में मशीनरी हमने एक इंस्टॉल करा रखी, मशीनरी खरीदी थी 2,00,000 की। आज बता रहा है वो मैं 21 को, भैया उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगे थे 2,500 के। आप बताओ मशीनरी के इंस्टॉलेशन चार्जेस आप किस में जोड़ना पसंद करोगे? सर मशीनरी में, अभी तो आपने बताया था मशीनरी में ही जोड़ के पसंद करेंगे सर मशीनरी के इंस्टॉलेशन चार्जेस। अच्छा इधर लिख दूं बच्चों में? हाँ सर आप इधर लिख दो। तो मशीनरी के इंस्टॉलेशन चार्जेस आप मशीनरी में ही जोड़ना पसंद करोगे, तो मशीनरी एसेट का बढ़ना डेबिट टू कैश 2,500, 2,500 एसेट का बढ़ना डेबिट होता है ना बच्चों। ठीक है हाँ सर ये बढ़िया हो गया सर। ठीक है सर ठीक है सर, सर इसी में जोड़ देते ना। अरे बच्चों मैं अब इसको काटूंगा क्या? काट के दोबारा लिखूंगा क्या मैं इसको? ये तो गलत बात है। आप जिस दिन वो एंट्री हो रही है, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो रही है, उसी दिन की तो एंट्री आप पास करोगे बच्चों। कैसी कैसी बातें करते हो। ठीक है सर ठीक है, सॉरी सर। 25 मई 2025 को देखो, ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा फॉर 1,50,000 रुपया खर्चा हुआ, टिम्बर पे 2,00,000 रुपया खर्चा हुआ, परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। मेरे बच्चे सभी को जोड़ो, 2,00,000, 3,00,000, 3,50,000, 3,50,000 का खर्चा हम किस में जोड़ के दिखाएंगे बच्चों? बिल्डिंग नाम का एक एसेट बना देंगे। किस नाम का एसेट बना देंगे बच्चों? बिल्डिंग नाम का। और चेक के थ्रू पेमेंट करिए 3,50,000। ठीक है मेरे बच्चों। बच्चों आप फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का, आपके सर तो बूढ़े हो गए इसलिए नहीं बनाते फॉर्मेट, आप फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताएं, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं। हाँ सर बात क्लियर है, सर बात क्लियर है। आगे बढ़ जाओ सर। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, इसको मैं रब कर दूं जब तक। हाँ सर रब कर दो। सर हमने लिखा नहीं, अरे वीडियो पॉज कर लो और फिर लिख लो। तुम भी कैसे फहमी किस्म के इंसान हो, क्यों मुझे परेशान करते हो इतना? सर सॉरी सर, हम वीडियो पॉज करके फिर लिख लेंगे। सर आप सही बोल रहे हो सर, ये 8वां पॉइंट था सर आपका, अब आप 9th पॉइंट पे आ चुके हो सर। ठीक है
ठीक है बच्चों, डन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नाइन्थ पॉइंट है सन्ड्री एक्सपेंसेस का। ये तो आसान है बच्चों, तरह तरह के एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका नाम हम क्या दे देते हैं बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे मिला के हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस। आइए एंट्री क्या पास होगी, एक्सपेंस का बढ़ना जल्दी बताएं, सर डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश, मिसलेनियस भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। यहां तक क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यहां तक क्लियर है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और एसेट का घटना क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, टू कैश, तो सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। ठीक है बच्चों, तो आपने नाइन्थ पॉइंट करा सन्ड्री एक्सपेंसेस का, आइए टेंथ पॉइंट करते हैं। अब टेंथ पॉइंट देखें किसका है, आइए देखें। अरे ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों, क्या है पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों, लिखेंगे फटाफट से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर अब ये क्या बला है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये कोई बला नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। बच्चों इमेजिन करो, इमेजिन करो मेरे बच्चे, ये है रामचरण, ये आपके लिए काम करता है, आप हो बीबीसी बैक बेंचेस क्लासेस, ये आपके लिए काम करता है, इसने पूरे साल काम किया, इसने पूरे साल काम किया और यहां पे आके बोला मुझे मेरी सैलरी पे कर दो। भाई साहब सैलरी बनती है इसकी 2 लाख रुपया, आपने इसको पेमेंट नहीं करी, आपने बोला आप पेमेंट नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए, भविष्य में हम पेमेंट कर देंगे। आपने बेनिफिट तो लिया ना, एक्सपेंस तो है मेरे बच्चे, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा, पेमेंट नहीं करने को ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बकाया रह गई सैलरी। क्लियर हो रही बात, बोलो हाँ या ना। हाँ सर सैलरी बकाया रह गई, हमने पेमेंट नहीं करा, उसी की जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, एक्सपेंस तो है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस तो है मेरे बच्चे। तो मान लो सैलरी नाम का एक्सपेंस, लिखेंगे मेरे साथ सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है मेरे बच्चे, टू क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाता है बच्चों, क्रेडिट किया जाता है। सर क्रेडिट किया जाता है तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा सर अच्छा, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ऐसी कुछ टिपिकल एंट्रीज हैं, उनको हम फोकस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है आइए 11th पॉइंट देखते हैं फटाफट से। आइए फटाफट से नेक्स्ट देखें, ऐसे ही है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, फटाफट से लिखेंगे प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस मेरे बच्चे। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री देखो क्या पास होती है बच्चों। बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस है बच्चों, हमने बेनिफिट नहीं लिया, पेमेंट पहले ही कर दी, बेनिफिट हमने नहीं लिया और पेमेंट हमने कब कर दी बच्चों, पहले ही कर दी, तो हमारा एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, हमें एक्सपेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस तो है ही नहीं, और किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। सर कैसे 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 बताओ ना सर कैसे, देखो ध्यान से हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है और एक्सपेंस का घटना, मान लो वो कोई भी एक्सपेंस था, सैलरी थी, वेजेस थी, एक्सपेंस का घटना क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। तो हमने क्या किया, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस, एसेट बढ़ रहा है हमारा बच्चों क्योंकि हमने पैसे पहले ही फेंक के मार दिए। सर 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 आप ना कंफ्यूज कर रहे हो, आप कह रहे हो पैसे पहले ही फेंक के मार दिए तो आपने एंट्री पास क्यों नहीं करी, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों। ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है ना आपकी बुक का, ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम एंट्री पास कर रहे हैं, अज्यूम करके कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर सही कर रहे हैं चीजें। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, जब पेमेंट करी होगी तो उसे एक्सपेंस में डाल दिया होगा,
पेमेंट तो हो चुकी, उसे एक्सपेंस में डाल दिया होगा, लेकिन वो एक्सपेंस थोड़ा ना है, वो तो प्रीपेड एक्सपेंस था। तो हमने एक्सपेंस डिक्रीज करा, हमने एक्सपेंस डिक्रीज करा और हमने क्या इंक्रीज कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि वो ऐसे एक्सपेंस में नहीं डालना चाहिए था। सर हम ऐसे कैसे अज्यूम कर रहे हैं सर ये कि एट द एंड ऑफ द ईयर हो रही एंट्री? बच्चों आपकी बुक में ना लिखा भी हुआ होगा, देखें जरा कहीं अजम्पशन होगा। हाँ देखो इंपॉर्टेंट नोट देखो फटाफट से बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री 10-14 हम दीज एंट्रीज आर पास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर टू मेक एडजस्टमेंट इन अकाउंट सो दैट फाइनल अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर परफॉर्मेंस। मेरे बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। फाइनल अकाउंट चैप्टर हम करेंगे भविष्य में, वो भविष्य में जानेंगे बच्चों, भविष्य में जानेंगे वो। क्लियर हो रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों आपको? हाँ सर बात क्लियर है, सर बात क्लियर है, ठीक है। तो वही प्रीपेड एक्सपेंस है, आपको देखो प्रीपेड एक्सपेंस के नीचे एक एग्जाम्पल भी दे रखा होगा। ऑन 1 जुलाई 2018 फटाफट से देखें एग्जाम्पल पढ़े, ऑन 1 जुलाई 2018 12,000 वॉज पेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द शॉप फॉर द होल ईयर। होल ईयर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 12,000 का, 12 महीनों का। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च, जबकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, हमें लेखा जोखी कब करना है, साल के अंत में, और वो साल का अंत कब हो रहा है, मार्च में, 31 मार्च में। लेकिन हमने पेमेंट कब कर दी, 1 जुलाई को हमने पेमेंट कर दी। इट मीन्स दैट मीन्स वीज, छोड़ो मीन्स वीज में बाद बताऊंगा मैं आपको ना, डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल है बच्चों, 12 महीने आ रहे हैं, बोलो हाँ यार। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कब करी है, 1 जुलाई को हमने, 1 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, यहां पे कहीं 1 जुलाई को पेमेंट कर दी हमने। मेरे बच्चे क्वेश्चन बोल रहा है 1 जुलाई को जो हमने पेमेंट कर दी ना, वो पूरे साल भर की करी है। साल भर मतलब क्या होता है बच्चों मुझे बताओ? सर 12 महीने, यानी 1 जुलाई 2019 तक की पेमेंट कर दी, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, आप मेरे से बड़े ज्ञानी हो। हाँ सर वो बोल रहा है साल भर की पेमेंट कर दी, मुझे बताओ हम तो इस साल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 2018 की, तो 2018 की तो पेमेंट यहां तक होनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा कितने महीने की पेमेंट कर दी, मान लो एक्स्ट्रा कितने महीने की पेमेंट कर दी? हाँ सर साल तो 31 मार्च को हो रहा है खत्म, तो हम तो एक साल का एक्सपेंस यहां तक का रिकॉर्ड करेंगे ना, यहां तक का। मार्च में अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो मार्च तक का एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है बच्चों अकाउंट्स में। हालांकि ये बातें मैं आपको डिटेल में फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी समझाऊंगा, अभी तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्या पता आपके समझ में अभी आ जाए। हाँ सर आप समझाओ, सर समझाओ। बच्चों हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू और क्लोज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों। हालांकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी शुरू हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है हमारे यहां से यहां तक हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब बच्चों इंश्योरेंस हमने यहां पे करवाया तो 12 महीने का कराया, हम इंश्योरेंस वाले को थोड़ा बोलेंगे नहीं 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 हम तो 9 महीने का ही कराएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च, 9 महीने का ही हम इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस कंपनी बोलते हो हमें कोई मतलब नहीं तुम कब अकाउंट्स क्लोज करते हो, हमें तो मतलब है 12 महीने का प्रीमियम दे दो। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा पूरे 12 महीने का हुआ, जबकि 31 मार्च तक का तो एक्सपेंस हम अभी इस साल रिकॉर्ड करेंगे। इस साल जो हमने प्रीमियम पे कर दिया आने वाले 3 महीनों का, उसका क्या करें, उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। तो देखो फटाफट से क्या किया इन लोगों ने, अरे अरे ठीक है। इट मीन्स एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 to 30 जून 2019। देखो यहां तक की पेमेंट हुई है, कितने महीने होते हैं ये, 30 जून तक, सर 3 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, ठीक है, मैंने 1 जुलाई लिख रखा है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा सर ठीक है, सिंस पेमेंट रिलेटिंग टू द पीरियड 1 अप्रैल 2019 to 30 जून रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, वो तो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट होगी, इट शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन एंट्री क्या पास करी बच्चे इन्होंने, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर है बात मेरे बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंस इन्होंने एसेट दिखा दिया और एक्सपेंस को कम कर दिया कि वो एक्सपेंस नहीं है, यहां से यहां तक की पेमेंट जो हमने यहां पे कर दी वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, उसे डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो। एक्सपेंस का डिक्रीज होना क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। क्लियर है बात बच्चों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर थोड़ी थोड़ी क्लियर है सर, सर हम ना फाइनल अकाउंट में और अच्छे से समझेंगे सर इसको। हाँ बच्चे फाइनल अकाउंट में और अच्छे से समझ लेना, लिखो पॉइंट नंबर 12 एक्रूड इनकम, ठीक है accrued income, हम पॉइंट नंबर 12 लिख रहे हैं मेरे बच्चे,
एक्रूड इनकम। बच्चों ये पता है क्या, हमने इनकम कमा तो ली लेकिन हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ अभी, हमारे लिए एसेट है बच्चों ये। इनकम तो कमा ली हमें लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ। इनकम कमा ली तो इनकम तो है ही है, पैसा कब रिसीव होगा? फ्यूचर में रिसीव होगा सर। पैसा होगा कब रिसीव मेरे बच्चे? फ्यूचर में रिसीव होगा। आओ इसी के एग्जाम्पल के तौर पर हम ये करें। आओ एक्रूड इनकम फॉर एग्जाम्पल देखें फटाफट से। चलो पहले डेफिनेशन भी पढ़ लो। द इनकम विच हैज बीन अर्नड, कमा तो ली बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड और हैज नॉट बिकम ड्यू इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल हमने इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट आया है, हमने वो कमाया, आया मतलब इन द सेंस हमने वो कमा लिया। से इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च तक का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था बट इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30 जून। बच्चों हम बेटे 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो हमें मिलना चाहिए था लेकिन उसकी ड्यू डेट जो है ना मिलने की पैसे की वो 2-3 महीने बाद आएगी। अच्छा सर फॉर एक्रूड इनकम फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री, नोट में लिखा था ना साल के अंत की एंट्री पास कर रहे हैं, तो एक्रूड इनकम की एंट्री क्या पास करी? एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है बच्चों? एसेट है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। एसेट का बढ़ना डेबिट किया जाता है और वो इनकम तो इनकम ही है मेरे बच्चे क्योंकि कमा तो हमने ली, तो क्या एंट्री पास करी है? टू इनकम। ठीक है मेरे बच्चे टू इनकम। इनकम का बढ़ना क्या किया जाता है बच्चों? क्रेडिट किया जाता है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? एक्रूड इनकम डेबिटेड टू इनकम, एक्रूड इनकम डेबिटेड टू इनकम। एसेट का बढ़ना डेबिट, इनकम का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है मेरे बच्चों। हाँ सर ये तो बड़े आसान टॉपिक है बच्चों। हाँ बच्चों और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही हो गया बच्चों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उसको हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं बच्चों। 12 और 13 अनअर्न्ड इनकम, ये क्या मतलब हुआ सर? अनअर्न्ड इनकम का मतलब हुआ सर कमाया नहीं लेकिन पैसा मिल गया। कमाया नहीं बच्चों लेकिन मुझे पैसा मिल गया। सर कैसे कैसे? कभी कभार होता है बच्चों हम ना कमीशन वमीशन ना एडवांस में रिसीव कर लेते हैं लोगों से, हम बोलते हैं ना एडवांस में चाहिए भाई हमारी कमीशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। हमने कमाया नहीं है लेकिन पैसा हमने पहले ही रिसीव कर लिया। अब उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करनी है वो हमें देखना है बच्चों। आओ फटाफट से देखें एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे। इनकम रिसीव बट नॉट अर्न दैट इज अगेंस्ट विच सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज येट टू बी मेड इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल इफ बिल्डिंग हैज बीन गिवन ऑन रेंट फॉर 2,40,000 पर एनम बट ड्यूरिंग द ईयर 3,00,000 आपको मिल गया, द 60,000 विल बी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट विल बी एडजस्टेड इन फाइनल अकाउंट बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। क्या एंट्री पास होगी बच्चों फटाफट से बताएं? सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर हमने बेनिफिट हमने काम तो किया नहीं सर और पैसे पहले ले लिए, तो सर ये तो सरदर्दी है हमारे लिए। ओहो लायबिलिटी है सर, पैसे पहले ले लिए आपने काम तो किया ही नहीं। लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाता है बच्चों? क्रेडिट किया जाता है। आइए फटाफट से लिखें टू अनअर्न्ड इनकम। लायबिलिटी का बढ़ना क्या किया जाता है बच्चों? क्रेडिट किया जाता है। तो टू क्या लिखेंगे? अनअर्न्ड इनकम। और जिस नाम से वो मिली है, मान लो रेंट रिसीव हो गया था हमें, तो बेटा वो इनकम तो था नहीं बच्चों। हमने रेंट जो एडवांस में रिसीव कर लिया वो इनकम थोड़ा ना होगा मेरे बच्चे, वो तो गलत है बच्चे, वो तो इनकम नहीं है, वो तो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमने बढ़ा दी और इनकम को घटा दिया। रेंट रिसीव को मैंने क्या कर दिया बच्चों? घटा दिया। इनकम का घटना डेबिट होता है क्योंकि बच्चों वो तो हमने पहले ही ले लिया, एडवांस में पैसा मिल जाना इनकम थोड़ा ना होता है। इनकम का मतलब होता है बेनिफिट रेंडर करना, सर्विस रेंडर कर देना। हमने सर्विस रेंडर नहीं करी और पैसा पहले ले लिया बच्चों, ये तो गलत बात है आपकी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर गलत बात तो है ये। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों? इनकम को डिक्रीज करेंगे, इनकम को डिक्रीज करेंगे और लायबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। इनकम को डिक्रीज करेंगे और लायबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे बच्चों। ठीक है सर, इनकम का डिक्रीज होना डेबिट होता है। फिर नेक्स्ट एंट्री आ जाती है बच्चों डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है बच्चों डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी बच्चों? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? मोटा मोटा ये समझो, अगर हम उस एसेट का बेनिफिट ले रहे हैं
तो एक साल में जितना बेनिफिट हमने ले लिया उस बेनिफिट को हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन, घिसावट बोल दो अभी, मोटा मोटा फिलहाल के लिए समझो। हालांकि इसका बड़ा डीप मीनिंग है बच्चों, भविष्य में आपको पता लगेगा कि डीप मीनिंग है। एसेट इस्तेमाल भी नहीं किया तो भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है बच्चों हमें, कभी कभार, कभी कभार नहीं हर बार। एसेट हमने इस्तेमाल नहीं किया फिर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है मेरे बच्चे, ठीक है, वो भविष्य में देखेंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर भी आएगा। अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन क्या समझो, सर हमने इस्तेमाल कर लिया एसेट को, हमने इस्तेमाल कर लिया एक साल, तो उस घिसावट को क्या बोल दिया जाता है, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस होता है बच्चों। ये पेमेंट नहीं देते आप किसी चीज की इसके लिए बच्चों, ये तो एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है मेरे बच्चे, ठीक है, पैसा नहीं जाता लेकिन हम फिर भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या घिसा, घिसा तो वो घिसावट को तो डेप्रिसिएशन बोल दी, घिसा क्या सर, मशीनरी घिसी, बिल्डिंग घिसी। अच्छा सर मशीनरी और बिल्डिंग घिसी यानी कि एसेट घिसा, ओ एसेट का घटना क्रेडिट, एसेट का घटना क्रेडिट किया जाता है। अच्छा तो टू क्या बच्चों, मशीनरी, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी। ये सारी बच्चों 10 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन में बोला है ना बच्चों, ये एडजस्टमेंट एंट्री बोला है, साल के अंत में ये एंट्री पास हो रही है बच्चों। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। इन एडजस्टमेंट एंट्री को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट चैप्टर में, इन सभी 10 से लेके 14 एंट्री को हम फाइनल अकाउंट में और डिटेल में भी पढ़ेंगे मेरे बच्चों। अच्छा सर ठीक है सर, हम पढ़ लेंगे सर, पढ़ लेंगे और डिटेल में भी पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से देखने, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, अच्छी इलस्ट्रेशन है। अरे अरे हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं बच्चों फटाफट से, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखें, पहली एंट्री देखें फटाफट से। वो कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, आप बताएं इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, बच्चों इनकम तो है हमारी, बोलो हाँ या ना फटाफट से बताओ बच्चों। हाँ सर इनकम तो है, टू इंटरेस्ट ये है 4000 का, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है और भविष्य में मिलेगा एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एसेट का बढ़ना क्या किया जाता है आप देखेंगे स्क्रीन पे, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट हो गया, एसेट का बढ़ना डेबिट और इनकम का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। भाई साहब इंटरेस्ट क्या हो गया, ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो गया मतलब हमने, हमें मिल तो जाना चाहिए था, हमने कमा तो लिया अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लेकिन हमें मिला नहीं है। सैलरी ड्यू टू स्टाफ 25,000, मेरे बच्चे सैलरी स्टाफ को ड्यू है 25,000 बच्चे, ड्यू है मतलब हमने पेमेंट नहीं करी, सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000, ठीक है बच्चों 25,000, क्लियर है बात बच्चों। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है। वो कहते हैं आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर, ओ सर 2,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है सर, सर सर प्रीपेड 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 एसेट है सर हमारा, हमने बेनिफिट तो लिया ही नहीं। ओ अच्छा जी प्रीपेड एक्सपेंस, आप रेंट लिखेंगे टू रेंट, ठीक है बच्चों। एसेट का बढ़ना डेबिट और एक्सपेंस नहीं है वो रेंट, वो तो आपने एडवांस में दे दिया 2,000 रुपये एक्स्ट्रा अगले साल का, एक्सपेंस घट रहा है बच्चों, एक्सपेंस नहीं है वो, एक्सपेंस घट रहा है। कितना है बच्चों ये 2,000, ठीक है मेरे बच्चों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर देखो ना बच्चों होता क्या है, आपके अकाउंटेंट ने रेंट लिख दिया होगा 12,000 एक्सपेंस में, आपके अकाउंटेंट ने, क्योंकि ना एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री है तो आप अजीब से लग रहा होगा आपको, यार ये क्या है रेंट पे कर रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं जा रहा, रेंट पे कर रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं जा रहा। मैं आपको बताता हूँ डिटेल बच्चों, सुनो हुआ क्या होगा, आपके अकाउंटेंट ने रेंट 12,000 लिख दिया होगा, यानी कि पता है एंट्री क्या पास करी होगी आपके अकाउंटेंट ने साल की शुरुआत में, रेंट डेबिटेड टू कैश 12,000, कैश तो 12 गया ना तो वो लिखना चाहिए था, लेकिन क्या रेंट 12 लिखना है इसे, नहीं सर रेंट सर इसने ना 2,000 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सर, 2,000 इसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है सर, तो वो एक्सपेंस थोड़ा ना हो जाएगा वो 2,000, वो तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा। तो बच्चे मुझे इसमें से 2,000 घटाने पड़ेंगे, मुझे घटाने पड़ेंगे 2,000 इस रेंट में से, तो वही घटा रहा हूं। देखो मैं रेंट घटा रहा हूं, एक्सपेंस घटा रहा हूं, एक्सपेंस का घटना क्या किया जाता है क्रेडिट किया जाता है, देखो यहां पे क्रेडिट किया जाता है।
और असल में ये क्या है सर, ये किस नाम से घट रहा है? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से घट रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस के एसेट है वो तो बेटा, हमने पैसे फेंक के मार दिए पहले से ही 2000 रुपए किसी के मुंह पे, तो वो 2000 हमारे लिए क्या है? एसेट है। अच्छा, तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस टू रेंट। यहां तक क्लियर है बच्चों? आप ऐसी हर हर जो मैंने 10 से 14 तक एंट्री कराई थी वो सारी एडजस्टमेंट एंट्री थी। ये एंट्री है वो साल के अंत की, ये एंट्री तो साल की शुरुआत में हो चुकी, रेंट टू कैश। गलत है ये एंट्री, रेंट 12000 थोड़ा ना, रेंट को कम करो भाई साहब। ठीक है मेरे बच्चे, इसी को एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं। सर ठीक है, अब समझ में आ रहा है सर, धुंधला धुंधला। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट में जाके आएगा। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, तब समझ लेंगे सर, आप बहुत बोल रहे हो सर आप। ठीक है ठीक है ठीक है, झगड़ा मत करो बच्चों। वो कहते हैं 10% डेप्रिसिएशन लगा दो फर्नीचर में, फर्नीचर की कॉस्ट है 5000 रुपये। बच्चों 5000 का 10% कितना होता है? सर 500 रुपये होता है, सर 500 रुपये होता है। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चों? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, आप तो मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हो। हाँ सर, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 500 रुपये। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए, आप मेरे से बड़े ज्ञानी हैं। हाँ सर ठीक है, सर ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर हो गया सर। ठीक है, आइए गुड्स यूज्ड इन मेकिंग, फिफ्थ पॉइंट देखें बच्चों, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1500, सेल प्राइस भाड़ में गया बच्चों। हमने अपना गुड्स यूज किया, अपना रॉ मटेरियल यूज किया और उससे क्या बना दिया? फर्नीचर। हो सकता है ऐसा बच्चों? फर्नीचर बना दिया हमने। अच्छा सर ये हमें आता है, सर हमें आता है, सर हमने अपना गुड्स यूज किया और फर्नीचर बना दिया। सर बना क्या? फर्नीचर। फर्नीचर तो सर हमारा क्या होता है? सर ये तो हमारा एसेट होता है। अरे वाह सर, क्या यूज किया हमने? सर हमने गुड्स यूज किया, गुड्स चले गए। तो सर गुड्स अकाउंट तो आपने मना किया सर, वो खोलते नहीं है हम लोग, हम छोटे बच्चे हैं। सर सर परचेजेस कम कर दो, सर परचेजेस कम कर दो। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गए बच्चों, तुम तो कितने का है बच्चों? अरे ये क्या हो गया? अरे ये है बच्चों ₹1500 का कॉस्टिंग आता है बच्चों, सेल प्राइस कभी नहीं आता बच्चों, कॉस्टिंग आता है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों? रिसीव कमीशन 10000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब बच्चों ये रिसीव की एंट्री भी अब पास करनी पड़ेगी। बोला रिसीव कमीशन 10000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, देखो देखो, अब आपको शायद समझ में आ जाए अच्छे से। और अब इसमें ना रिसीव वर्ड बोल दिया, यानी कि रिसीव की भी एंट्री करके दिखाओ। अच्छा रिसीव हुआ है कमीशन, पैसा आया, एसेट का बढ़ना डेबिट, कमीशन रिसीव्ड हो गई 10000 की। इनकम, इनकम का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन सर रुको, लेकिन सर रुको, इनकम थोड़ा ना आप 10000 से रिकॉर्ड कर लोगे सर, आधी तो आपने एडवांस में रिसीव करी है सर कमीशन, ऐसे कैसे आप इनकम 10000 रिकॉर्ड करने के मूड में हो? अच्छा अच्छा सॉरी बच्चों, गलती हो गई मेरे से। तो फिर अब हम क्या करेंगे? इनकम को डिक्रीज करेंगे, इनकम का डिक्रीज होना डेबिट होता है बच्चों। और बच्चों जब हमें एडवांस में कोई इनकम मिल जाए तो वो तो सरदर्दी है हमारे लिए, सरदर्दी है बच्चों, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। टू क्या लिखेंगे बच्चों इसको? अनअर्न्ड इनकम, या फिर इनकम, ओ सॉरी 10 का 10 नहीं आएगा बच्चों, ये 5000 आएगा, माफी चाहता हूं, 5000 आएगा क्योंकि हाफ बोला है ना बच्चों, हाफ बोला है ना। पूरा अगर बोलता तो फिर गड़बड़ हो जाता मामला, तो पूरा का पूरा लिखना पड़ता। तो बैंक टू कमीशन रिसीव्ड, फिर कमीशन रिसीव इनकम को डिक्रीज किया, 5000 से किया, पूरे से नहीं किया बच्चों, 5000 तो सच में इनकम है बच्चों आपकी, आपने कितने से डिक्रीज किया? आधे से डिक्रीज किया। तो कमीशन रिसीव टू अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है बच्चों, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, इनकम का घटना डेबिट होता है। इनकम पूरे से नहीं घटेगी, सिर्फ आधे से घटेगी, क्योंकि आधी तो सच में इनकम है, तो अच्छी बात है, आधी तो लिखा हुआ है हमने। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर ठीक है, सर ठीक है। हाँ तो ये हुई हमारी इलस्ट्रेशन खत्म मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट से। ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 10 पूरी खत्म हुई।
आगे नहीं बढ़ते, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले अध्याय में हम ओपनिंग एंट्री, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा सा कॉन्सेप्ट, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ओपनिंग एंट्री थोड़ा बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो हम ओपनिंग एंट्री अगले अध्याय में सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस, मजे करो बच्चों।